इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें। आपको धन लाभ चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, भगवान शिव की कृपा चाहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए, माँ पार्वती की कृपा चाहिए। आपको प्रत्येक कृपा आपको मिल सकती है महादेव। तो दोस्तों आपको बता दे, देवों के देव कहीं जाते हैं और महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय पेड़ पौधे ही होते हैं। दोस्तों आपको बता दे, मुझे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं आपको पेड़ पौधों से जुड़ी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आप आया हूँ, जिसे जानने के बाद दोस्तों आप मन कर चलिए, आपको इतना लाभ होने वाला है, इतना ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पता लगने वाली है जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम दोस्तों। उससे पहले मैं आपको यह जानकारी बताने से पहले महाशिवरात्रि का की आपको विशेष और दुर्लभ जानकारी भी बताना चाहूँगा। तो चलिए पहले हम महाशिवरात्रि की दुर्लभ जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद में आपको फिर आपको चमत्कारी पेड़ पौधे जिनसे आपको जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, वह एक दिन में ही महाशिवरात्रि के दिन ही आप पूर्ण कर सकते हैं। इससे पहले चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की जानकारी, जो हर व्यक्ति को होना बहुत ही बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी दोस्तों। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। विधान त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध घी शहद कमलगट्टा धतूरा बेल पत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान आवश्यक है। दूसरे दिन प्रातः जौ तिल खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य का भक्षण कर लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता। कथा एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया और वन में एक तालाब के किनारे बेलवृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित था। वृक्ष के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए भी। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, विरहिणी हूँ, अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे पर प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। राधी के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर में निकाली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर फोहर ही बाला था कि यह मृगी बोली, में इन बच्चों को इनके पेड़ के पास छोड़ आऊं तब मुझे मार डालना।
मैं बच्चों के नाम आपसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी छोड़ दिया। पी फटने को हुई तो एक स्वस्थ हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, पदी तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिए हो तो मुझे भी मार दीजिए ताकि मुझे उनका वियोग मा पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें 9 दान दिए हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनमें मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। भूख की बात सुनकर रात की समस्त घटनाएं एक एक कर उसके दिमाग में पूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। अतः उसने मुख को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भाए से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप को अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, मात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी मानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की तथा 2 पुष्पक विमान भेजकर शिकारी तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। इसके बाद अब हम जानेंगे तांत्रिक एवं वनस्पति, तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग और महा उपाय। दोस्तों, इससे पहले हम एक छोटा सा आपसे अनुरोध करना चाहती है कि आप अपनी राशि को कमेंट जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दे, जिससे हम उससे जुड़ी समस्या भी से निजात पाने का उपाय भी आपको बता सके। कामातुर भगवान शिव को अति प्रिय है यह पेड़। महाशिवरात्रि से पहले घर पर जरूर लगाएं, लेकिन न करें ये गलती। वास्तु शास्त्र में धन दौलत, सुख समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। इसमें शमी का पेड़ भी शामिल है, बेलपत्र का पेड़, धतूरे का पेड़। यह सभी पेड़ और इससे भी महत्वपूर्ण वर्क है कई सारे और पेड़, जिसे हमें लाभ ही लाभ होता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन जो इन पेड़ पौधों के उपाय करती हो उनसे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्योंकि महायोग टीवी का तो दोस्तों आपको बता दे कि मकसद है कि फ्री में सभी व्यक्तियों तक यह जानकारी पहुंचना। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय मंत्र कर लेते हो तुम माँ के चलिए, दोस्तों आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। 5 से 6 मिनट या फिर निकाल कर यह वीडियो देख लेते हो तो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी वह कभी भी आपको यह ज्ञान की प्राप्ति अब तक नहीं होगी होगी, क्योंकि महायोगी टीवी चैनल आपको जानकारी ही नहीं देता बल्कि एक ज्ञानवर्धक जानकारी देता है, जिससे आपको हर समय हर टाइम आपको इस जानकारी से आपको लाभ ही लाभ होता है। ज्योतिष में भी इस पौधे को काफी चमत्कारी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शमी का पेड़ बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते या फूल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आपको महादेव की कृपा पानी है तो रोज शमी की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा शमी का पेड़ घर में सकारात्मकता लाने के साथ धन दौलत भी लाता है, लाभ को लाभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को हमेशा घर के आंगन या बालकनी में ही लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे को अगर घर के बाहर लगाया जाता है तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि समय के पेड़ पर शनि देव का वास होता है और ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ पर शनि देव आती है वहाँ सुख समृद्धि भी लाते हैं। पर शमी का पौधा बाहर होगा तो आपको कुछ भी इससे लाभ नहीं होगा। इसलिए आप समय के पौधे को बालकनी में महाशिवरात्रि के दिन अवश्य लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भाग्य की लकीरें जाग जाती है। और दोस्तों, आपको बता दे कि आप महाशिवरात्रि के दिन इस पेड़ को, यानी कि शमी के पेड़ को, शिवरात्रि के
दिन नहीं लगा पाते हो तो आप इस पेड़ को बाद में भी किसी त्योहार खींच त्योहार पर अवश्य लगे, तब भी यह लाभ ही लाभ देता है, जो महादेव का विशेष दिन है। पर यह है सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि ही है, इसलिए शिवरात्रि के दिन यह उपाय या इस पेड़ को लगाने से लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व के दिन जो कोई इस पेड़ को अपने घर यानी शमी के पेड़ को जो अपने घर पर लगता है, उसे धनलक्ष्मी ऐश्वर्या और भगवान शिव एवं माँ पार्वती एवं माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। इस बात ध्यान रखें कि इसे कभी भी घर के अंदर या फिर किसी कमरे में न लगाएं, क्योंकि वास्तु कहता है कि घर में जहां खुली जगह हो वहीं शमी का पौधा लगाना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमी के पौधे की नियत देखभाल करता है और उसी रोज शाम को पानी देता है, तो उसके भाग्य में कभी कोई शनिदेव से रिलेटेड कोई परेशानी या कोई समस्या कभी जीवन में उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों मन कर चलिए, अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो महाशिवरात्रि के दिन, तो माँ के चलिए जिस समय के पौधे को अपने अपने घर पर लगाया है उसी पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो, जो कि दीपक तेल से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देते हो और जो कोई आपकी मनोकामना है वह बोल देते हो, तो मन कर चलिए आपकी वह मनोकामना महाशिवरात्रि के दिन मानी गई मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ अपनी समझ शक्तियों के साथ रहते हैं, तो जो कोई उनसे कुछ भी मनोकामना मांगता है वह मनोकामना वह अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी एक ऐसा पर्व है जिस दिन भोलेनाथ को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दे एक और ऐसा ही पेड़ है जिसे हम धतूरा कहते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाया गया धतूरा अधिक से अधिक लाभ प्रदान करता है। दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो या फिर आप जो धतूरे का पेड़ होता है वहाँ पर चले जाते हो और वहाँ जाकर आप अपनी मनोकामना या जो भी इच्छा है वह मांगते हो, तो मन कर चलिए आपका बहुत ही ज्यादा उससे लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों मैं आपको धतूरे से रिलेटेड एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा, जिससे आपको धन लाभ ऐश्वर्या लाभ आपकी जो मनोकामना है। अगर आप इस समय के पौधे के साथ यह उपाय नहीं कर पाते हो तो आप धतूरे के एकमात्र उसके फल से ही यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों माँ के चलिए अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपाय किए गए 1000 गोदान के बराबर होते हैं। इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उनसे हर एक व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है, जिससे कि जैसे कि हर किसी के जीवन में आजकल समस्या ही चल रही है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को इन तांत्रिक उपाय को इन धार्मिक उपायों को करता है इन उपायों से उसे लाभ ही लाभ होता है। ऐसा मन कर चलिए कि आप वीडियो को देख रहे हैं महायोग टीवी चैनल की, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मन कर चलिए कि महाशिवरात्रि के दिन महायोग टीवी के माध्यम से बताए गए उपाय लाभ ही लाभ देते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरे का जो फल होता है जो कि उसमें संपूर्ण में कांटे ही कांटे लगे होते हैं, इसलिए आपको इस दिन महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दोस्तों जो शिवलिंग होती है जो महादेव की शिवलिंग होती है, ऐसा ही आपको धतूरा आपने कहीं ना कहीं अवश्य आपके घर के आसपास अवश्य लगा होगा या फिर जहां पर शिव मंदिर होता है वहां अपने अवश्य ही धतूरे का वृक्ष देखा होगा। वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर से जाते समय एक अखबार ले जाना है। दोस्तों या फिर आप अखबार नहीं ले जा सकते तो आप किताब कॉपी का पेज भी अवश्य अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें बहुत ही ज्यादा उसके फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है। इसके लिए आपको धतूरे का पेड़ के पास चले
जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें धतूरे लगे होते हैं, यह तो आपने इस वीडियो में भी देख सकते हैं या फिर आपने देखे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो धतूरे का फल लगा होता है उसे आपको तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसे जिस तरह से आप तोड़ना चाहे वह उसे तरह से आप उसे तोड़ लीजिए। आप अपने हाथों को जरूर बताइए, क्योंकि उसके कांटे बहुत ही तीखे होते हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे हाथों में लग सकती, इसलिए आप अपने हाथ में अखबार पढ़कर ही इस कार्य को करें। और वहां से एक धतूरा तोड़ लेना है। दोस्तों आपको एक धतूरा तोड़ने के बाद क्या करना है, उसे एक धतूरे को जहां कहीं शिव मंदिर हो, आपके आसपास हो, कहीं शिव मंदिर होना चाहिए। दोस्तों शिव मंदिर हर किसी के घर के आसपास अवश्य मिल जाता है। दोस्तों शिव मंदिर जाने से पहले आपको धतूरे के साथ एक छोटा सा उपाय कर लेना है। दोस्तों आपको क्या कहना है, सबसे पहले तो आपको जो आपने धतूरा तोड़ा है इसे अच्छे तरीके से पानी से साफ कर ले, और महादेव का नाम लेते हुए आप जहां कहीं से भी आपने यह धतूरा तोड़ा है वहीं से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जब तक इस धतूरे को आप चढ़ाना दे तब तक आप अपने मन से यह बात मत निकालिए कि मैं कोई मनोकामना के लिए इसे ले जा रहा हूं, और बार बार आप अपनी मनोकामना धतूरे को बोलते रहिए, और धतूरे को बोलते बोलते आपको यह भी बोलना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ओम नमः शिवाय के साथ आपको धतूरे से आपकी मनोकामना बोलते रहना है, और बोलते बोलते जहां कहीं आपको शिव मंदिर मिल जाए वहां पर आपको चले जाना है, और शिव मंदिर की पहुंचने के बाद आपको इस धतूरे को आप शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा होता है वहां पर इसे आपको रख देना है। दोस्तों धातिरों के धतूरे के फल में बहुत ही ज्यादा कांटे लगी होती है, इसलिए आप महादेव के ऊपर से कभी भी ना चढ़ाएं, बल्कि आप महादेव की समक्ष इसे अवश्य रख दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वह बहुत ही जल्दी महादेव पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि महादेव को धतूरा अति प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करता है तो माँ के चलिए उसे लाख गोदान के बराबर लाभ होता है। दोस्तों आपको बता दे कि आप 1000 दान करेंगे तब भी आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि इस छोटे से आपको धतूरे के फल से आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि यह उपाय अपने महाशिवरात्रि के दिन किया है, और महाशिवरात्रि के दिन किया गया हर एक उपाय आपको लाभ ही लाभ देगा। दोस्तों आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ एक और ऐसा उपाय जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करना, आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी आपके घर परिवार वाले से अवश्य ही करवा। दोस्तों इस उपाय में और ज्यादा शक्ति और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कई व्यक्ति जानते हैं। दोस्तों हम आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से अब आपको यह उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों अपने बेलपत्र का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र का एक पत्ता भी महादेव पर चढ़ा देता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा पता रहता है। दोस्तों उसमें 3 तिलियां रहती हैं, वहां पर महादेव अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का पत्ता भी चढ़ा देते हो तो मन कर चलिए ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महादेव पर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है उसे व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, और महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती। दोस्तों आपको बता दे कि बेलपत्र का उपाय आपको किस तरह से करना है यह उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ कहीं बात आपके घर के आसपास शिवलिंग अवश्य होती है, शिवलिंग के आप आसपास भी देख लेना, अपने कई सारे बेलपत्र चढ़े देखे होंगे। इस तरह से ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि जहाँ कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर चले जाने के बाद महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों आप इस
उपाय को जरूर कर लेना। आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन जो कि रात्रि हो रही होती है दोस्तों, रात्रि के 6 बजे के समय आपको महाशिवरात्रि के दिन ही आपको एक दीपक जला आना है। दीपक कहाँ जला आना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन जो बेलपत्र का वृक्ष होता है, यह जो बेलपत्र का वृक्ष होता है यह महादेव को अति प्रिय होता है, और इस दिन बेलपत्र से के नीचे जलाया गया एक दिया लाभ ही लाभ प्रदान कर सकता है। दोस्तों आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है दोस्तों। उपाय क्या है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के पास जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता दे कि बेलपत्र के वृक्ष के पास पहुंच जाने के बाद आपको वहां पर एक चौमुखी दीपक जला देना है। चौथी का मतलब होता है दोस्तों जिसमें 4 बाती हो दोस्तों, एक ही साथ चारों बेटियों को आपको जला देना है, और आपकी जो मनोकामना है जो इच्छा है वह आपको महादेव से नहीं बोलना बल्कि आपको उसे बेलपत्र के पत्ते से बोलना है। दोस्तों इस समय आपको यह ध्यान रखें कि जो बेलपत्र होता है वहां बेलपत्र को तोड़कर अवश्य ही आप अपने दिए के नीचे रख ले और वहां पर एक दिया जला दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखकर जलाया गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है, और ऐसा माना जाता है कि आपकी जो पैसे की तंगी चल रही होती है वह यह बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर रखा गया दिया लाभ ही लाभ प्रदान करता है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर देता है तो मां के चलिए उसे कोई शत्रुओं से अपना उपाय लगता है, या उसकी जो कोई मनोकामना है उसे कुछ भी परेशानी है समस्या है, उसके जीवन में चल रही समस्याओं है, शादी की समस्या, वह की समस्या, जो कोई आपके पैसे की समस्या, जो कोई आपके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय जो आपको मैंने आपको यह उपाय बताया है वह उपाय आप कर लेते हो तो मां के चलिए आपको हर एक लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे उपाय करनी मात्र से ही हर व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाएं, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे, और आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके कांटेक्ट लिस्ट में अगर आपके भारत से भी बाहर के लोग हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर कर जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इन बातों का ज्ञान नहीं होता, जिसे कि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक जानकारी उनके पास भी पहुंचे दोस्तों, क्योंकि महायोग टीवी के माध्यम से यह जानकारी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका आप पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। जो उपाय में नहीं बताए हैं वह उपाय करनी मात्र से ही आपको लाभ ही लाभ होगा, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। दोस्तों महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, और हर एक भारतीय नागरिक तक भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यत शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है,
और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है दोस्तों, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग चार प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर तीन पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटेफते बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं, महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें, क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है, क्योंकि आप यह तो जाती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है, तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, और यह भी जरूर जाने कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाए धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद, पारा, शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। उनम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं।
सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे ऐसा करें। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बड़ी बड़ी से सभी उपाय अभी तक बता चुके हैं। इसके बाद हम अब बताने वाले हैं वह एक उपाय जो आपको कौन सी चीज खा लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या फिर आपकी जो मनोकामना है पर एक से दो दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मन कर चलिए महायोग टीवी चैनल ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना एक से दो दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, फूल धतूरे चढ़ाए जाते हैं, यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो ज्ञात होगा ही कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है क्योंकि कई लोगों को भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह एक से दो दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों आप पर भांग का असर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे कम जितना दाल का एक कंकड़ होता है यानी कि दाल होती है हमारी उसे दाल के बराबर ही आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों मन कर चलिए उनका जीवन तो बदल ही बदल जाता है, साथ में उनके परिवार का जीवन भी बदल जाता है क्योंकि दोस्तों आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि भगवान भोलेनाथ है क्योंकि भांग का सेवन जरूर करते हैं। इसलिए आपसे महायोग टीवी चैनल का है कहना चाहेगा कि आप भांग का सेवन अवश्य करें क्योंकि भांग महादेव को अति प्रिय है और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धनलक्ष्मी ऐश्वर्या लक्ष्मी की उसे पर डंपर बारिश होती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि महादेव की भांग को अगर एक बार महाशिवरात्रि के दिन हाथ पर लेकर दाल के कंकर के बराबर खा लिया जाए तो आपकी जो मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि आप इस उपाय को करनी मंत्र से ही लाभ होता है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक पहुँचा जिससे कि उन्हें भी इस छोटी सी जानकारी से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपसे महायोग टीवी चैनल वादा करता है कि आपको यह लाभ की प्राप्ति ना हो या जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे प्रत्येक इंसान को लाभ हुआ है और हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं लाखों और करोड़ों कमेंट हमारे YouTube पर डाले हुए हैं जिन पर उन्होंने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। ते हैं दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई।
उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आथ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान हैं, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न।
12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 1. सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2. श्री शैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 3. महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। 4. कारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदाने देने हुए यहां प्रकट हुए थे शिवजी, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5. नागेश्वर, गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6. बैजनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। 7. भीमाशंकर, महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 8. त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग। 9. घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10. केदारनाथ, हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हरिद्वार से 150 पर मील दूरी पर स्थित है। 11. काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12. रामेश्वरम, त्रिचनापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन, जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हौ जूस है भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधानामृत्यो मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूयः सः जूं हौ। मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि ये उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है।